वेलकम टू माया पुरी कट। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड से जुड़ी टॉप 10 खबरें। सो लेट्स बिगिन। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल मुंबई के एक कोर्ट ने एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, उनके पति राज कुंद्रा और उनकी कंपनी सत्ययुग गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सोने के निवेश योजना में एक बुलियन व्यापारी को धोखा देने के आरोप में पुलिस जांच का आदेश दिया है। पूनम ढिल्लो ने सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी की खबरों पर मोहर लगा दी है। बता दें कि एक इंटरव्यू में पूनम ने सोनाक्षी और जहीर को अपना आशीर्वाद भी दिया। वहीं खबर के मुताबिक सोनाक्षी और जहीर 23 जून को रजिस्टर्ड मैरिज करने वाले हैं। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म सरफिरा से अक्षय की पहली झलक सामने आ गई है और इसके साथ ही निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया है। बता दें कि सरफिरा 12 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी और फिल्म का ट्रेलर 18 जून को ही रिलीज होने वाला है। टीवी की जानी मानी अभिनेत्री दृष्टि धामी ने शुक्रवार को अपने चाहने वालों को गुड न्यूज सुनाई है। जी हां, 38 साल की अभिनेत्री अब मां बनने वाली हैं और एक वीडियो के जरिए अभिनेत्री ने इस खुशखबरी को बताकर फैंस का दिन बना दिया है। प्रभास की मच अवेटेड फिल्म कल्कि 2898 एडी का पहला गाना रिलीज होने के लिए तैयार है और बीते दिन कल्कि 2898 एडी के मेकर्स ने अपने पहले सॉन्ग का पोस्टर शेयर किया। साथ ही ये दावा भी किया कि ये भारत का सबसे बड़ा सॉन्ग होने वाला है और इस पोस्ट में दो हाथ हैं जो एक दूसरे से मिल रहे हैं। एक बार फिर से आलिया भट्ट का एक डीप फेक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आलिया भट्ट कैमरे के आगे तैयार होती नजर आ रही हैं। वहीं इस वीडियो को देखकर फैंस का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच गया है। फैंस इस वीडियो पर कमेंट करके कह रहे हैं कि ऐसा करना गैरकानूनी है। बता दें कि इससे पहले भी आलिया का एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था। मौनी रॉय ने स्पेन से अपनी नई फोटो शेयर की है और लेटेस्ट तस्वीरों में मौनी ब्लैक क्रॉप टॉप के साथ ब्लैक एंड व्हाइट स्कर्ट पहने नजर आ रही हैं। मौनी रॉय की इन तस्वीरों में सिर पर बड़ी सी हैट भी लगाए हुए हैं। इन तस्वीरों में मौनी रॉय बला की खूबसूरत लग रही हैं और फैंस भी उनके स्टाइल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। प्रोड्यूसर और स्टाइलिस्ट रिया कपूर ने हाल ही में अंबानी परिवार की होने वाली बहू राधिका मर्चेंट की कुछ स्टनिंग फोटोज शेयर की हैं। इन फोटोज में राधिका व्हाइट बॉडी हगिंग फिश टेल गाउन में नजर आ रही हैं, जिस पर ग्रे कलर के रोजेस भी लगे हैं। वहीं सेलिब्रिटीज के साथ साथ फैंस भी राधिका की खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं। फेमस पंजाबी सिंगर करण औजला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में करण ऑल ब्लैक लुक में नजर आ रहे हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने पैप्स के सामने एक से बढ़कर एक पोजेस भी दिए और अब फैंस भी करण के इस लुक की तारीफ कर रहे हैं। एकता कपूर की एक्सपेरिमेंटल फिल्म एलएसडी 2 19 अप्रैल 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब एलएसडी 2 दो महीने बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी दस्तक दे चुकी है। जी हां, दो महीने बाद अब इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। आज के लिए मायापुरी टॉप 10 में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए मायापुरी के साथ जुड़े रहें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।